पांचवें छठे चरण का प्रचार तेज, तो प्रदेश भर में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैली, मोहनलालगंज, केसरगंज, अमेठी में सीएम की रैली आज, तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। तो सीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहां पर कर लिए गए हैं, तो लगातार जो है बाकी बचे चरणों को लेकर प्रचार प्रसार दिग्गजों की तरफ से, तो पांचवें छठे चरण का प्रचार जो है वो इसी कड़ी में तेज हो गया है। प्रदेश भर में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, जहां वो मोहनलालगंज, केसरगंज, अमेठी में रैली करते नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। वहीं सीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं, तो क्या चुनावी संदेश यहां पर दिया जाता है ये देखना होगा। तीन चरणों के जो चुनाव है वो संपन्न हो गए हैं और अब अगले चरण का जो चुनाव है, चौथे चरण को लेकर लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी धरातल पर चल रही है। प्रचार प्रसार थम गया है, अब ऐसे में पांचवें और छठे चरण को लेकर दिग्गज जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में प्रदेश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैली होने जा रही है। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैली में जुटे हैं, बल्कि बीजेपी के अन्य दिग्गज, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, वो भी धरातल पर उतर कर चुनावी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। तो प्रदेश भर में सीएम योगी की आज ताबड़तोड़ रैली है, मोहनलालगंज, केसरगंज, अमेठी में आज सीएम योगी हुंकार भरते नजर आए। संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। निखिल, पांचवें छठे चरण का प्रचार हुआ तेज और इसी बीच आज तीन जिलों का दौरा मुख्यमंत्री का। देखिए, लगातार जो पांचवें चरण के चुनाव प्रचार है उसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में रहेंगे, लखनऊ के मोहनलालगंज सीट पर भी जो है चुनाव प्रचार करेंगे और इसके साथ ही अन्य सीटों पर भी चुनाव प्रचार करेंगे। चूंकि अब ये माना जा रहा है कि चौथे चरण का जो रण है वो खत्म हो चुका है, कल वोटिंग होनी है, तो पांचवें चरण की जो रण है उसकी तैयारी में सभी राजनीतिक दल लग गए हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की अगर हम बात कर दें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी रैली आयोजित की गई है। बसपा प्रमुख मायावती भी लगातार जो है चुनावी कार्यक्रम कर रही है, आज उनकी उत्तर प्रदेश से बाहर रैली है, कल श्रावस्ती में थी और ये माना जा रहा है कि कल उनकी रैली लखनऊ में भी हो सकती है। तो ये तमाम जो राजनीतिक दल के मुखिया है वो अपने अपने हिसाब से चुनावी प्रचार अभियान में लगे हुए हैं, चाहे वो भाजपा की केंद्रीय टीम की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की केंद्रीय टीम की बात कर ले, वहां से भी बड़े नेता उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। पांचवा और छठवें चरण का रण जो है अब धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। जी बिल्कुल, पांचवा छठा चरण जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर पांचवें चरण की बात करें निखिल, तो यहां पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, क्योंकि इन जिन सीटों पर यहां चुनाव होने जा रहा है पांचवें चरण में, उसमें बेहद ही कम मार्जिन से जीत बीजेपी हासिल कर पाई थी और यही वजह क्या मानी जाए कि दिग्गज धरातल पर उतरे हुए जनता के बीच पहुंच रहे ताकि इस मार्जिन को बढ़ाया जा सके। देखिए, एक बात साफ है कि जिस तरह से मतदाताओं का रुझान मतदान में कम दिखाई पड़ रहा है, ये सभी दलों के लिए एक टेंशन की बात है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सबके लिए ये मुसीबत भरा संकेत है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि अपने मतदाताओं के बीच में एक बार पहुंचकर उनको मतदान के लिए उत्साहित किया जाए ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े। जब मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो जीत का अंतर भी बढ़ेगा और उसी अंतर से जो है आपकी जीत भी सुरक्षित होती है। तो प्रत्याशी से लेकर बड़े बड़े नेता इस समय चुनावी मैदान में हैं और सबकी वंशा एक ही है कि जो पोलिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए, जो पिछले जो तीन चरणों के चुनाव में काफी कम रहा, चूंकि जो अंतर है जीत का वो बड़ा होना चाहिए। लक्ष्य बड़ा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, तो वही दूसरा विपक्षी गठबंधन की अगर हम बात करें तो वो भी, उसने भी अपना एक लक्ष्य तय किया। तो सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम ये है कि किस तरह से जो मतदाता है उनका मत प्रतिशत बढ़ाया जाए। जी और शुक्रिया तमाम जानकारी निखिल देने के लिए। तो ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहने वाला है, वहीं यूपी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां हैं, प्रतापगढ़, रायबरेली, गोंडा में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो राजा भैया के गढ़ में शाह की चुनावी जनसभा आज है, तो रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रैली गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जाएगी। तो रायबरेली का जो मुकाबला है वो भी बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को कांग्रेस ने यहां से उतारा है, तो अमेठी छोड़कर रायबरेली में उन पर आकर आजमाया गया है, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प।
संवाददाता अमरीश हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। अमरीश, क्या जानकारी, क्योंकि दिग्गज लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, अमेठी में क्या माहौल है और क्या तैयारी? निश्चित तौर पर रायबरेली अमेठी की अगर बात करें तो दोनों सीट हॉट सीट मानी जाती हैं। दोनों में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और दोबारा अमेठी में एक बार फिर कमल खिलाना चाहती है और रायबरेली में इस बार पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। निश्चित तौर पर कयास लगाया जा रहा है कि इस बार कमल रायबरेली में खिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। प्रियंका गांधी बराबर नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, अन्य उनके नेता जो हैं वो भी गांव-गांव जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चाह रही है कि जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था कि रायबरेली वो खत्म न हो, बराबर एक बार फिर पंजा यहाँ खिले। तो दोनों पार्टियां पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और आज अमित शाह जी आ रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी जो दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके समर्थन में जीआईसी मैदान में एक बड़ी जनसभा को करीब 1 बजे संबोधित करेंगे और उसके बाद फिर कल डिप्टी मुख्यमंत्री जी का आना है, योगी आदित्यनाथ जी का, जो कि यहां लालगंज कस्बे में एक बड़ी जनसभा करेंगे। फिलहाल तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष जो अजय त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी करते हैं क्या क्या कार्यक्रम है आज। आज देश के यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी का रायबरेली जनपद के लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान दिनेश सिंह जी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं और जिस तरीके से पूरे देश में चुनाव की गर्माहट चल रही है और कांग्रेस पार्टी का ऑक्सीजन धीमे धीमे खत्म हो रहा है, वेंटिलेटर पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी जब उत्तर प्रदेश में आती है तो समाजवादी पार्टी से ऑक्सीजन लेकर चलने का काम करती है, जब बिहार में जाती है तो लालू जी के ऑक्सीजन पे अपने को चलाने का काम करती है, जब दिल्ली में जाती है तो केजरीवाल जी से ऑक्सीजन लेके अपने को चलाने का काम करती है।